नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलग सत्ता, आपका स्वागत है। मैं चाहे बिहार टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एनओएस में ऑन डिमांड एडमिशन कैसे ले और ऑन डिमांड का एग्जाम फॉर्म कैसे भरा जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें अच्छे से, बिना स्किप किए। अगर इस वीडियो को आप देखते तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका ऑन डिमांड का जो फॉर्म होगा ना, आप अच्छे से फिल कर लोगे और जितनी भी क्वेरी होंगे ना, आप सब क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एनआईएस में ऑन डिमांड एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग गूगल ओपन कर ले, ठीक है। गूगल ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना होगा एनआईओएस, क्योंकि एनआईएस में ऑन डिमांड एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले हमको एनआईएस गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। सर्च कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में ही एनओएस का ऑफिशियल साइट है ये जो है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। किसी दूसरी साइट पर मत क्लिक करिएगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ये लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है, लिंक ओपन हो रहा है। तो ये देखिए एनआईएस का ऑफिशियल साइट ओपन हो चुका है। ये रहा इसका ऑफिशियल साइट। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वैसे आप करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपका एनआईएस में एडमिशन भी हो जाएगा और अच्छे से आप लोग एग्जाम फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले मैं थोड़ा सा ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों की इसका फॉर्म कौन बच्चे भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं जो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी बोर्ड हो, अगर वो फेल हो गए हैं और अपना एक साल बचाना चाहते हैं, वो सभी बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और अपना एक साल बचा भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो एनआईएस सर्च करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिशन वाला सेक्शन। एडमिशन वाला सेक्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। एडमिशन वाला सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे ही ऊपर में दिख रहा होगा ये एडमिशन फिर से, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सबके लिए आपका ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म अच्छे से भरा जाएगा और आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो एडमिशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोग को ये और एडमिशन दिख रहा होगा, ठीक है। इस एडमिशन पर आप लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे ऑन डिमांड एक दिख रहा होगा, ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको बगल में देख सकते हैं आ गया जून 2023 टू सितंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, ऑन डिमांड का एग्जाम फॉर्म जून 2023 से सितंबर 2023 तक ही भरा जाता है, उसके बाद उसका पब्लिक एग्जाम भरा जाता है, तो पब्लिक एग्जाम में नहीं होता, ठीक है। तो जून 2023 और सितंबर 2023 तक मौका होता है बच्चों को ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म भरने का और अपना एक साल बचाने का। तो जैसे मैंने बताया उसी पे आप लोग क्लिक करते हैं, जून 2023 टू सितंबर 2023 वाले पे हम लोग क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये है मेन पेज। यहाँ से आपका ऑन डिमांड का में एडमिशन होगा और यहाँ से आप लोग जो ऑन डिमांड का जो फॉर्म होता है ना वो फिल करोगे, ठीक है। तो ये मेन पेज होता है और कैसे आना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। अगर फिर भी लगे तो आप पीछे जाकर वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देखें और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंच जाए। नहीं तो अगर आपने इधर उधर करके यहाँ तक पहुंचा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए अलग अलग बहुत सारे होते हैं, आप लोग को यहाँ देखना होगा कि जैसे मैंने आया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यू आर रजिस्टरिंग फॉर ऑन डिमांड ब्लॉक 2023, तो ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं आया हूँ वैसे भी आप आइएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप ऑन डिमांड एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बच्चे का मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ और बिहार से है, बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में हम लोग डाल देते हैं उसका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे। आधार कार्ड डालने के बाद आप लोगों को देखना होगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि यू आर एग्जिस्टिंग एनओएस लर्नर, मतलब क्या आप एनओएस के छात्र हैं, पहले से एनओएस के छात्र थे। अगर हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड, मान लो झारखंड बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, कोई दूसरे बोर्ड के हो तो आप नो करिएगा, ठीक है। और अगर आप एनआईएस बोर्ड के हो तो आप ये यस कर दीजिए, ठीक है। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर फिलहाल सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो सीनियर सेकेंडरी अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। देखा, मतलब जैसे जैसे मैं किया हूँ वैसे करिए, ठीक है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों को आएगा आर यू रजिस्टरिंग ऑन डिमांड ब्लॉक 2023, यस कर दीजिएगा। यहाँ पर यस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट। तो चलिए मैं कैंडिडेट का नाम भर देता हूँ, आप लोग अपना अपना नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम भर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बच्चे का नाम है विकास कुमार, फादर्स नेम भर देता हूँ, मदर्स नेम में भर देता हूँ, आप लोग अपना भर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से भरिएगा। मैं भी यहाँ पे इस बच्चे का भर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ इस बच्चे का मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप इस बच्चे का, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो आप लोग यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर फिर से पूछेगा, तो फिर से आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। स्टेप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ना तो एक स्टेप स्किप किया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप लोग आके कमेंट करोगे कि मेरे साथ मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है।
और ईमेल आईडी भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे हम लोग क्लिक करते हैं। आप लोग देखिए ऐसे ही कुछ बढ़िएगा आप लोग भी, ठीक है। जनरेट ओटीपी हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी आ गया है, एक ओटीपी मेल पे गया और एक ओटीपी फोन पे आया, ठीक है। तो चलिए फोन वाला मैं इसमें डाल देता हूँ। ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे आप लोगों को यहाँ पर ये अभी लॉक हो गया, ठीक है, अभी लॉक हो गया, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको भरते समय अच्छे से एक एक वर्ड मिला लीजिएगा, नहीं तो फिर ये अगर लॉक हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब भी अगर आप इसे चेंज करवाने आओगे तो एनआईएस की तरफ से कुछ फीस होते हैं चेंज कराने के लिए, तो वो लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्म भरो, उसी समय अच्छे से आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखकर आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एड्रेस पे क्लिक करते हैं। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद चलिए इनका मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। चलिए आप लोग अपना फुल एड्रेस फिल करते जाइएगा, ठीक है। इनका बिहार है डिस्ट्रिक्ट पटना, पिन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर आप लोग इतना भरने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा सेम वही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस अगर खुलता है तो चुन लीजिएगा, नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं। अब अगला ये आप लोग देखिए अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन हम लोग क्लिक करते हैं। अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इनका कास्ट एसटी है तो इसलिए एसटी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने उनका कास्ट एसटी सेलेक्ट किया तो वहाँ पर आगे वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड कास्ट एसटी 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 ओबीसी कैटेगरी में था। तो मतलब ये है कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट भी फॉर्म में लगेगा, तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी डालें, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ लगेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद एक सर्विस मैन नो और फिर नॉट एप्लीकेबल प्रीवियस क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिएगा अच्छे से कि प्रीवियस क्वालिफिकेशन हम लोग को डालना क्या है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म है तो इसलिए जो बच्चा होगा प्रीवियस क्वालिफिकेशन उसका 12th होगा, ठीक है। 12th का जो फेल सर्टिफिकेट होगा ना वो भी लगेगा, तो आप लोग उसे भी साथ में रख लीजिएगा, ठीक है। ओके कर देते हैं। प्रीवियस क्वालिफिकेशन 12th इसलिए होगा क्योंकि बच्चा फेल हुआ है और मैं एनआईएस में 12th के लिए ही ऑन डिमांड एग्जाम का अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका प्रीवियस क्वालिफिकेशन भी 12th ही होगा। पायलट लाइसेंस में नो कर देंगे, ठीक है। और डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल मीडियम, आप किस मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जिस भी मीडियम में आप लोग यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी है, बहुत सारे हैं गुजराती संस्कृत उर्दू, तो मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। गार्जियन नेम नहीं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या था, पास थे या फेल थे, तो इन दोनों से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फेल सेलेक्ट कर, ये बच्चा फेल हो गया था 12th में इसीलिए ऑन डिमांड का एग्जाम फॉर्म भरने आया है। अगर आप पास है तो आप पास सेलेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना इंप्रूवमेंट करने के लिए भी एनआईएस का ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो ये बच्चा फिलहाल ये फेल है, तो मैं इसका फेल वाला भर देता हूँ। और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट एडमिशन और डोर एनरोलमेंट, तब इसमें आपको नो छोड़ देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10th का डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो चलिए 10th का डिटेल फिल कर देते हैं, आप लोग फिल कर लीजिएगा। ये 2021 में 10th पास किए थे, इनका रोल नंबर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये कौन से बोर्ड से थे, सीबीएसई से थे, तो चलिए सीबीएसई सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही करिएगा अपना, जब जिस भी ईयर में आप लोग पास किए तो उनका डिटेल फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और नीचे आप लोग जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर डिक्लेरेशन में देख रहे हो, यहाँ पे आप लोग को यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक स्टेप क्लियर हो गया और मैं ऑप्शनल डिटेल्स वाले पे आ गया हूँ। तो ये डिटेल चाहे तो आप भर भी सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप नहीं भी फिल, क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो अगर भरना हो तो भरिएगा, नहीं भरना हो तो आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें भर देता हूँ, मदर टंग में हिंदी कर देता हूँ, इंडियन, बाकी मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप लोग मेन नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। मेन ऑन डिमांड का फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना होता है ना यहीं पर, क्योंकि सारा खेल यहीं पे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर टीओसी, तो टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब कि वो पिछले बोर्ड में जो फेल हुआ था ना दो सब्जेक्ट में, तो हम तीन सब्जेक्ट में वो बच्चा पास भी हुआ था, तो टीओसी करवाना चाहता है, मतलब कि उस बोर्ड में जो नंबर आए होंगे ना वो नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे इस बोर्ड में। टीओसी करवाने से होगा क्या कि उस बच्चे को उस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा जिसमें वो पास था, ठीक है। तो इसलिए टीओसी करवाना चाहिए हम लोगों को। टीओसी करवाने से क्या होगा कि उसका एग्जाम हमें नहीं देना पड़ेगा और एग्जाम सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का देना पड़ेगा जिसमें बच्चा फेल हुआ था, ठीक है। तो चलिए मैं टीओसी के लिए यस कर देता हूँ।
और टीओसी सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का होगा, ठीक है? तो टीओसी दो ही सब्जेक्ट का होता है, उससे ज्यादा सब्जेक्ट का आप ट्रांसफर और क्रेडिट नहीं करवा सकते हो। उसके तीन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो तभी भी आपका तीन सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए किसी बोर्ड से तो भी आपका तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि टीओसी सिर्फ दो सब्जेक्ट का ही होता है। तो चलिए मैं ये फिल कर लेता हूँ, टीओसी के लिए यस कर देता हूँ। सेलेक्ट द बोर्ड फ्रॉम विच यू अपीयर्ड, कौन से बोर्ड से इन्होंने ट्वेल्थ किया था, तो सीबीएसई से, तो सीबीएसई का भर देता हूँ। किस साल वो सीबीएसई का एग्जाम दिया, तो इसी साल उन्होंने सीबीएसई का एग्जाम दिया था, ठीक है? रोल नंबर इनका मैं फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फिल कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से फिल करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर है ना कौन सा सब्जेक्ट का टीओसी वो बच्चा करवाना चाहता है। तो ये हिंदी का टीओसी अपना करवाना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में ये पास थे, ठीक है? तो यहाँ पर यस कर देता हूँ, यस हो गया। थ्योरी में इनका 55 आया था, प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है जिनको टीओसी करवाना है, फिजिक्स पर इनको टीओसी करवाना है, यस कर देता हूँ। टीओसी में यस कर देता हूँ। थ्योरी में इनका आया था 45 आया था, और प्रैक्टिकल में इनका आया था 17, ठीक है? तो दो सब्जेक्ट का टीओसी हो सकता है, उसके अलावा तीन सब्जेक्ट का इनको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है? और तीसरा सब्जेक्ट जो इनका था वो था केमिस्ट्री, यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर केमिस्ट्री आप लोग देख सकते हैं। केमिस्ट्री में इनको टीओसी नहीं करवाना है, ठीक है? थ्योरी में आया था इनका, थ्योरी में इनका आया था 5, और प्रैक्टिकल में था इनका 15, ठीक है? तो इसमें नो रहने दीजिए, ठीक है? और फोर्थ सब्जेक्ट जिनका था वो था मैथ, चलिए मैथ हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ सब्जेक्ट इसमें भी नो रहने देंगे, और थ्योरी में इनका आया था, और थ्योरी में इनका आया था 20, इसमें भी ये फेल थे। और लास्ट जो सब्जेक्ट है वो था इनका इंग्लिश, इंग्लिश में भी नो रहने देंगे, थ्योरी में इनका आया था 55, प्रैक्टिकल होता नहीं। पांच सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का टीओसी होता है, ठीक है? तीन सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए तो उस दो सब्जेक्ट, इनका दो सब्जेक्ट में क्रॉस लगा, ठीक है? केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इनका क्रॉस लगा, तो मैंने इनका दो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया ही, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश में पास है, लेकिन टीओसी सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का होता है, इसलिए इनको एक इंग्लिश का भी एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल थे तो आपको केमिस्ट्री में नो करना था, ठीक है? और बाकी समय भी नो करना है, बाकी आपका पासिंग का नंबर लिखना है, लेकिन एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। एट दिन मैं इतना ही कहूंगा कि टीओसी सिर्फ दो ही सब्जेक्ट का होता है, तो आप लोग जिस सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना चाहते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट टीओसी में सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है तीन सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर लिया जिसको आपको देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आगे नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि चूज सब्जेक्ट फॉर द कोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इनको कौन कौन से एग्जाम देने हैं, ये मैथ और केमिस्ट्री में फेल हो गए, ठीक है? तो सबसे पहले मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा सब्जेक्ट था इनका और दूसरा सब्जेक्ट था इनका केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट में पास तो है लेकिन इनको एक एग्जाम और देना होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश यहाँ पर है, तो इंग्लिश हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को ऐसे फिल करना है, अच्छे से फिल करने के बाद अच्छे से देख लीजिएगा जो भी ने अपना नंबर फिल किया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्लिक जैसे ही करिएगा तो आपका एग्जाम सेंटर पूछेगा, ठीक है? कि आपको एग्जाम कहाँ देना है, तो यहाँ पे इंडिया रहने दीजिएगा, तो अपना यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिहार सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देना है, तो मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। पटना सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम सेंटर यहाँ पर देगा, पटना में दो जगह एग्जाम होते हैं, तो सबसे नजदीकी जो सेंटर है ये रहा केंद्रीय विद्यालय खगौल में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कौन, जैसे आप लोग यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे देखिए एक पेज ओपन हो गया है जिसमें आपको बोलेगा कि आप जो तीन सब्जेक्ट है उसका एग्जाम किस डेट में देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन ही डेट खाली है इस मंथ में, तो हम लोग चलिए इस डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 21 तारीख के डेट में आप लोग देखते 14 सीट है, तो इसमें हम लोग चलिए कौन सा सब्जेक्ट को आप लोग 21 तारीख में देना चाहते हैं, तो मैं पहला दिन इंग्लिश दे देता हूँ, इंग्लिश 21 तारीख को डेट में देना चाहते हैं, ठीक है? 22 तारीख के डेट में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट देना चाहते हैं, तो दूसरे दिन मैं मैथ देना चाहूंगा, तो मैथ सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? और तीसरे दिन जो है केमिस्ट्री सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? देख सकते हैं जैसे मैंने तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आप लोग नीचे देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय खगौल में इनका एग्जाम पड़ेगा,
पहला दूसरा तीसरा तीन दिन था जो कि 22 और 27 को डेट अवेलेबल थे, तो इसलिए मैंने ये डेट को सिलेक्ट कर लिया। आप लोग जिस भी डेट में अवेलेबल हो आपके सेंटर पे उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेगा तो ये जो है फाइनल प्रोसेस हो गया है। अब यहाँ पे फाइनल, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आप ऑन डिमांड एग्जाम में अच्छे से बैठ सके। सबसे पहले अपना फोटो दे दीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर में आता है सिग्नेचर दे दीजिए, ठीक है। सिग्नेचर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देना है, तो इसमें आप लोग आधार कार्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड दे दीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट छोड़ दीजिए, नहीं देने की जरूरत है। इसमें आप लोग अपलोड फेल्ड मार्कशीट, अगर आप 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को 10th का फेल मार्कशीट अप्लाई करना है। और मैंने यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई किया था 12th के लिए, तो मैं 12th में जो फेल मार्कशीट था ना उसको मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसमें भी आप लोग 12th का डालिएगा, ठीक है। 12th में जो फेल था ना वही सर्टिफिकेट यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। एड्रेस प्रूफ डालने की जरूरत है नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर डालिए, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर साफ लिखा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर डालिएगा। उसके बाद डिसेबल अगर है तो आप डिसेबल वाला सर्टिफिकेट दीजिएगा, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन दीजिएगा, मुझे ये सब नहीं देने की जरूरत है, ठीक है। और एनी अदर सर्टिफिकेट इसमें भी नहीं डालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट बच गया 10th सर्टिफिकेट, इसमें 10th वाला जो मार्कशीट होगा उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करिएगा तो सबसे आप लास्ट पेज पर चले जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये होगा रिव्यू वाला, तो रिव्यू वाला में वो चीज आएंगे जो आप लोग यहाँ से जो फॉर्म फिल किए हो ना यहाँ तक, उससे भी आपको देख लेना है एक बार, अच्छे से मिला लेना है कि यहाँ पर तो कोई गलती नहीं होगी ना, अगर गलती हो तो उनको सुधार ले, अभी भी मौका आपके पास। अगर नहीं गलती है तो फिर आप आइए रिव्यू कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा, वहां पर आपको फाइनल पेमेंट मांगेगा। तो इनका तीन सब्जेक्ट था, तो तीन सब्जेक्ट का इनको लग जाएगा 3350 रुपया, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट दे देगा अच्छे से, पेमेंट आप लोगों का जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, उसमें आपका आईडी पासवर्ड जैसे ही आप लोगों को मिल आता है, उसके बाद आप स्टूडेंट लॉगिन में जाके आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर जाए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। और अगर उसके बारे में भी आप लोगों को जानना है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें अपना एडमिशन लेने के बाद, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।